एविडेंस आर्ट में रेलेवेंसी और रिलायबिलिटी में डिफरेंस क्या है? देखिए, रेलेवेंसी तो हो गया कनेक्शन. अगर कोई फैक्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6-55 ऑफ एविडेंस आर्ट किसी भी कनेक्शन के थ्रू कनेक्टेड है तो फिर वो रेलेवेंट होता है, यानी कि उस पर हम क्या कर सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं और कोर्ट उस पर एविडेंस अलाउ करेगा. लेकिन रिलायबिलिटी इज अपॉन द कोर्ट कि वो उस पर रिलाई करे या ना करे. फॉर एन एग्जाम्पल कि आपने, आप क्लास में नहीं आए, मैंने कहा आप कहाँ थे, तो आपने कहा कि आई वॉज इल. अब आप इल हो तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन इज रेलेवेंट, उस पर एविडेंस दिया जा सकता है, दैट विल बी अलाउड. लेकिन उस प्रिस्क्रिप्शन पे मैं उस पर रिलाई करूँ या नहीं करूँ, दैट इज डिफरेंट क्वेश्चन. तो रेलेवेंसी का कॉन्सेप्ट तो हमें दिया हुआ है एविडेंस एक्ट में, लेकिन रिलायबिलिटी पर नहीं दे रखा है, क्योंकि दैट इज कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द कोर्ट कि वो उस पर्टिकुलर फैक्ट पर जो कोर्ट के सामने लाया गया है उस पर वो रिलाई करता है या नहीं करता, वो उसका अपना चॉइस है.